सिंगल लड़कों को सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है जानते हो? जब वो उस लड़की को प्रपोज करने जाते हैं जिसे वो पसंद करते हैं और लड़की रिजेक्ट करके बोलती है, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम मुझसे भी अच्छी लड़की डिजर्व करते हो, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं अपनी फ्रेंडशिप खराब करना नहीं चाहती। मैं 100% श्योर हूँ लड़की ने तुम्हें भी ऐसी ज्ञानवर्धक बातें सुनाई होगी कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम्हारे लिए मेरे दिल में वो वाली फीलिंग नहीं है, तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिलेगी। इतने सारे बहाने बनाएगी पर लड़की तुम्हें कभी हाँ नहीं कहेगी। और तुम्हारी इसी तकलीफ को समझता हूँ, इसीलिए आज का वीडियो बनाया है कि तुम अब तक सिंगल क्यों हो। इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट भेजा है शंकर, सोनू, राजीव, शुभम, प्रियंका, राहुल, अमित, निशा, विजय, फिर से राहुल, संगीता, लिस्ट और भी लंबी है, उनका नाम फिर कभी। देखो, तुम्हारे सिंगल होने का रीजन ये नहीं है कि लड़की तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करती, इसके और भी रीजन है। आज मैं तुम्हें ऐसे मेन रीजंस बताऊंगा जिसको देखकर तुम समझ जाओगे कि तुम अब तक सिंगल क्यों हो। मैं 100% श्योर हूँ वीडियो देखने के बाद अगर तुमने अपनी गलतियों को सुधार लिया तो तुम सिंगल से मिंगल हो जाओगे। सबसे पहला रीजन है तुम्हारा एक्सपेक्टेशन। अगर तुम उन लड़कों जैसे हो जो लड़की पटाने से पहले ही सोचते हैं कि लड़की कितनी मोटी है, इतनी लंबी लड़की, इतनी छोटी, खाना बनाना आता होगा क्या, पढ़ाई में अच्छी है बट सेक्सी नहीं है, क्यूट भी नहीं है, यार मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड जैसी खूबसूरत नहीं है, यार सभी का एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन होता है। लेकिन अगर तुम्हारा एक्सपेक्टेशन का लिस्ट बहुत बड़ी है और तुम ये लिस्ट लेकर लड़की ढूंढ रहे हो तो तुम्हें कभी कोई लड़की नहीं मिलेगी, और मिल भी गई तो उसका एक्सपेक्टेशन इतना हाई होगा कि जो तुमसे नहीं बटेगी। तो एक्सपेक्टेशन के लिस्ट को कम करना होगा। मैं कहता हूँ आड़ी टेढ़ी कोई भी लड़की मिले तुम प्यार करना शुरू तो करो, पहले प्यार करना शुरू करो, पसंद बाद में करना। लेकिन तुम्हारे पास तो होता कुछ नहीं है और तुम उम्मीद लगाए बैठे हो कि जिससे प्यार करोगे वो भी आसमान से उतरी होनी चाहिए, और उसके सामने जाकर तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। तो पहले पसंद मत करो, जो भी लड़की मिले उससे प्यार करना शुरू करो। एक आधी लड़की तो टाइम पास के लिए रखो, कुछ सीखने के लिए रखो। जब तुम्हारे आसपास लड़की होगी तो तुम समझ पाओगे उनके साथ कैसे रहना है और कैसे बात करना है। और कंपेयर तो कभी मत करना कि मेरे फ्रेंड के पास इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। दूसरा रीजन है कॉन्फिडेंस। हम बहुत बड़े शेर बने फिरते हैं लेकिन लड़की से बात करते वक्त हमारी बोलती बंद हो जाती है। मौका अच्छे रहने के बाद भी हम बात नहीं करते, सिर्फ सोचते रहते हैं, उसने बात नहीं किया तो, उसने पसंद नहीं किया तो। हम खुद को रोकते हैं और लड़की हाथ से निकल जाती है। अरे यार बात तो करो, बात करने में क्या प्रॉब्लम है, पर तुम तो बात ही नहीं करोगे और महान ज्ञान बांटोगे, मैं सिंगल ही अच्छा हूँ, लड़कियाँ धोखेबाज होती है, लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ता। भाई बात लड़की पटाने की नहीं है, बात है कॉन्फिडेंस की, तुम्हें कॉन्फिडेंट बनना होगा। तीसरा रीजन है बहुत कुछ जो मैं एक एक करके समझाता हूँ। तुम सोचते हो लड़की तुम्हें पसंद नहीं करेगी, पर तुम्हारा सोचना गलत है, वो तुम्हें पसंद करेगी ही। यार तुम इतने सारे वीडियोस देख रहे हो, खुद को इम्प्रूवमेंट ला रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, तो वो तुम्हें पसंद क्यों नहीं करेगी? और मैं तुम्हें इतने सारे वीडियोस देता हूँ, इसमें पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, स्मार्टनेस को डेवलप कर सकते हो। अगर रीजन है तुम शाई टाइप के हो तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, इसके बाद वो वीडियो भी देखना, क्योंकि जब तक शर्म और डर है तब तक तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलेगी। और एक बात, गर्लफ्रेंड किसी भी उम्र की हो सकती है, सैड होने वाली कोई बात नहीं है, अपने रिलेशन को सीक्रेट रखो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। किसी से सच्चा प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय बहुत 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 ही अच्छा हो, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।